चलिए जानते हैं बॉलीवुड की आज कुछ खास खबरें। रकुल और जैकी शादी के बाद भी अपनी प्री वेडिंग सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। मंगलवार को मेहंदी सेरेमनी की तस्वीर शेयर की गई, जिसमें कपल पंजाबी लुक में नजर आया। रकुल के डिजाइनर फुलकारी लहंगे को बनाने में 680 घंटे का समय लगा। जियो स्टूडियो और आमिर खान प्रोडक्शन के बैनर तली फिल्म लापता लेडीज अगले हफ्ते सिल्वर स्क्रीनिंग पर दस्तक देने वाली है। यह फिल्म सिनेमा घर में 1 मार्च 2024 को रिलीज होने के लिए तैयार है। लापता लेडीज की टीम ने पुणे शहर का रुख किया ताकि फिल्म का प्रमोशन और स्क्रीनिंग किया जा सके। पुणे में स्क्रीनिंग और प्रमोशनल विजिट ने पूरे देश में धूम मचा दी। तेलुगु अभिनेत्री सौम्या जानू अपने एक वायरल वीडियो के कारण सुर्खियों में आ गई है, जिसमें अभिनेत्री को ड्यूटी पर तैनात एक ट्रैफिक होमगार्ड के साथ मारपीट करते हुए देखा जा सकता है। सौम्या और ट्रैफिक गार्ड के टकराव का वीडियो सोशल मीडिया पर ताबड़तोड़ वायरल हो रहा है। बॉलीवुड सिंगर बी प्रांक आनंद अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में समा बांधने मंगलवार को गुजरात के जामनगर पहुंचे, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 12वीं फेल के बाद विक्रांत मैसी नई फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को लेकर आए हैं, जिसकी पहली झलक और रिलीज डेट का खुलासा एक्टर ने कर दिया। विक्रांत मैसी ने इंस्टाग्राम पर 27 फरवरी की रात को एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, आज 22 साल पहले गोधरा ट्रेन अग्निकांड में जान गंवाने वाले 59 निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि। द साबरमती रिपोर्ट पेश है 3 मई 2024 में सिनेमा घरों में। इस महीने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड से शादी करने वाली हैं तापसी पन्नू, एक्ट्रेस की होगी रॉयल वेडिंग। एक्सेल एंटरटेनमेंट की अपकमिंग फिल्म मडगांव एक्सप्रेस का ट्रेलर 5 मार्च 2024 को रिलीज होगा। फुटपाथ पर ड्रम बजाते नजर आई 90s की मशहूर अदाकारा अन्नू अग्रवाल, उनका लुक पूर्ण रूप से बदल चुका है। अन्नू अग्रवाल सड़क किनारे कुछ लोगों के साथ ड्रम बजाते हुए स्पॉट हुई, जिसका वायरल हुआ वीडियो। 12वीं फेल निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा काफी समय से सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में उन्हें महाराष्ट्र सरकार ने सांस्कृतिक प्रभाग द्वारा प्रतिष्ठित राज कपूर विशेष योगदान पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। एक्टर और फिल्म मेकर सतीश कौशिक की आखिरी फिल्म कागज 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग मंगलवार शाम को हुई। अनुपम खेर भी इवेंट में मौजूद थे। कागज 2 की स्क्रीनिंग के बाद अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह फिल्म को लेकर शशि और वंशिका से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। अनुपम खेर ने कहा कि आज कागज 2 की पहली स्क्रीनिंग हुई है, मैं बहुत खुश हूँ।